एक्स कॉर्पोरेटर शफी हुंडेकार को आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी वाइस चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया गया है। वक्फ बोर्ड ऑफिसर हजरत अली नद्दाफ वक्फ एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन हबीब सरमस की निगरानी में शफी हुंडेकार ने एज ए वक्फ एडवाइजरी कमेटी वाइस चेयरमैन चार्ज लिया है। इस मौके पर हजरत सैयद हिदायतुल्ला कादरी सज्जादा नशीन बारगाह एमरी मोहल्ला यहाँ मौजूद थे और साथ ही कई शहर के कॉरपोरेटर्स और दीगर लोग भी यहाँ मौजूद थे। तमाम ने शफी हुंडेकार के साथ हजरत अली नद्दाफ और हबीब सरमस की तहनियत पेश कर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर चेयरमैन हबीब सरमस ने शफी हुंडेकार को वाइस चेयरमैन बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश कर कहा, जिस तरह शफी हुंडेकार एज ए कॉरपोरेटर शहर में अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं, उसी तरह वक्फ वाइस चेयरमैन के अहदे पर बैठ कर ये मिली खिदमत को अंजाम देंगे। शफी हुंडेकार ने इस मौके पर हजरत सैयद हिदायतुल्ला कादरी साहब, एमएलए कनीस फातिमा, हजरत अली नद्दाफ, हबीब सरमा, शेख हुसैन और दीगर तमाम का शुक्रिया अदा कर कहा, आने वाले दिनों में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम वक्फ जायदादों की हिफाजत की जाएगी और जो कोई वक्फ जायदादों पर कब्जा कर बैठे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी गुलबर्गा के ज़िला दफ्तर में आली जनाब शफी हुंडेकार साहब ने बहैसियत डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी वाइस चेयरमैन की हैसियत से चार्ज लिया है। मैं बहैसियत सदर अपनी काउंसिल में आली जनाब शफीक अहमद हुंडेकार साहब का दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और ख़ुशी का इजहार करता हूँ कि ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी जो अपनी खिदमत के लिए गुलबर्गा के अंदर जाने जाते हैं, बहैसियत कॉरपोरेटर गुलबर्गा में आपने कई काम किए हैं जिसका आज भी लोगों की ज़बान पर चर्चा है। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को साथ लेकर गुलबर्गा को एक बेस्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का एग्जांपल पेश करने में कामयाब रहूँगा। मैं इसी के साथ साथ ज़रूरी समझता हूँ कि अगर शेख हुसैन साहब का नाम ना लिया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि शेख हुसैन साहब को बहैसियत रुकन वक्फ मशावरती कमेटी नामज़द किया गया था। आपने आगे बढ़कर अपना रिजिग्नेशन पेश करते हुए ये बात कही कि मेरी जगह पर आली जनाब शफीक अहमद हुंडेकार साहब को बहैसियत नायब सदर अपॉइंट किया जाए, तो मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल, वो ऑनरेबल मेम्बर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ़ के रिकमेंडेशन पर आली जनाब शफीक अहमद हुंडेकार साहब को गुलबर्गा ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी का नायब चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया गया। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी काउंसिल में इनका इस्तकबाल करता हूं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है, मैं वक्फ बोर्ड वाइस चेयरमैन की हैसियत से आज चार्ज लिया। मैं चार्ज लेने के टाइम हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी साथ थे और उससे बढ़कर मेरे लिए हमारे साहेब सज्जादा नशीन बारगाए बादशाह हयातुल्ला शाह कादरी इमली मोहल्ला की मौजूदगी में मैं आज चार्ज लिया हूं और मैं मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए नॉर्थ और वक्फ बोर्ड मेंबर उनका दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे वक्फ बोर्ड वाइस चेयरमैन बनाया है। और मेरे दोस्त शेख हुसैन साहब का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है और मेरे साथी जितने भी जो आज चार्ज लेने के टाइम आए थे, हमारे लियाकत पटेल साहब कारपोरेटर वार्ड नंबर 28 और अजीम शिरनी फरोश कारपोरेटर वार्ड नंबर 22, अजमल गोला वो कारपोरेटर 21 और लियाकत पटेल साहब और तब्बू खान कारपोरेटर, रियाज अहमद साहब वार्ड नंबर 4 कारपोरेटर और जितने भी लोग यहाँ पर शिरकत किए थे, जैसा कि मस्जिद की कमेटी के कुछ सदर थे, सेक्रेटरी थे, जितने भी दो ऐसा मुख्तसर से हम एक इसका प्रोग्राम रखे थे चार्ज लेने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है और इंशाल्लाह हम हमारे वक्फ बोर्ड जो है टीम जो है हमारी चेयरमैन के साथ हम वाइस चेयरमैन पूरे मेंबर मिलकर इंशाल्लाह आज तक जो वक्फ बोर्ड में काम नहीं हुआ इंशाल्लाह हम 3 साल में वो कर बताएंगे, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं और एक से एक सौ तजुर्बेकार लोग हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कॉर्पोरेशन से रह चुका है, हबीब साहब भी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए थे पहले से भी, हम सब मिलकर एक टीम वर्क काम करेंगे और वक्फ बोर्ड के हित में काम करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छा से अच्छा एक कारनामा करके बताएंगे हम 3 साल में कि वक्फ बोर्ड क्या था बोलकर। और आज से हम शुरुआत हो चुकी है, हमारे चेयरमैन साहब 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो रहा है, लोगों में भी खौफ डर है कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ है देखना लेना बोलकर। और मैं भी अपील करता हूँ कि आप कुछ भी लेने से पहले एक बार
वक प्रॉपर्टी है नहीं, ये चक्कर ही है, क्योंकि अगर आप लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर्टी हम वापस लेना ही लेना है। मैं इस मौके पर सभी लोगों का, चेयरमैन साहब का, वक्फ ऑफिसर का और पूरे मेरे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर आने वाले दिन में हम फिर और एक प्रोग्राम भी रखेंगे, हम उसके तहत हम फिर तफसील से इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया खुदा। आज जनाब शफीक अहमद होंडेकर मेरे दोस्त आज वक्फ ज़िला मुशायरती कमेटी गुलबर्गा के नायब चेयरमैन की हैसियत से जनाब सैयद हबीब सरमद साहब की सदारत में आज उन्होंने चार्ज हासिल किया है। जैसा कि अभी अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि शफीक अहमद होंडेकर साहब ने काफ़ी उनमें जोश और जज्बा है, ख़ासकर उन्होंने और हमने मिलकर कई खानखाहों, दरगाहों और कई जो हमारे कौम के मसाले उन पर जो है ना बहुत काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो इस अहदे पर जो है ना फायज हुए हैं। तो लिहाजा मैं फिर एक बार शफीक अहमद होंडेकर साहब और ख़ासकर हमारे चेयरमैन साहब सैयद हबीब शर्मा साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी वक्फ के मसाइल हैं उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आज इस खुशी के मौके पे मैं जनाब शफी होंडेकर साहब को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन की पोजीशन मिलने पे तमाम कॉरपोरेटर्स की तरफ से, एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी की तरफ से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब शफी होंडेकर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो कौम के मामलों में, ये क्योंकि ये कौम का इदारा है, हमारे सदर हबीब सरमद साहब के साथ मिलके कौम की हिकमत में, कौम के फेवर में और कौम के लिए काम करें। ताकि आप सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा अहम रोल करता है हमारी कौम के लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारे इदारे इससे महफूज होते हैं। और मैं दिल से इस बात पे खुश हूँ कि जिसको भी ये अहदा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लायक हैं, इस कैपेबल हैं कि वो हमारे इदारों को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि आप जो देख रहे हैं माहौल, पूरे देश का माहौल, बीजेपी सरकार किस हिसाब से हमारे इदारों को तोड़ना चाह रही है, कम्युनलाइज करना चाह रही है, उसके लिए ये अहदों पे बहुत ही हिकमतन लोग, बहुत ही समझदार लोग बैठना ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं एमएलए मैडम जी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अहदा बहुत ही हिकमत अमली काम करने वालों को सौंपा है। और मैं ये लोगों से यही उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको वो समझ, सलायत और अक्ल दे कि वो कौम के लिए और इदारों के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करें। आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन के हिस्से से जनाब शफी होंडेकर साहब चार्ज लिए हैं, मैं उनको दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जनाब सदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी के हबीब सरमद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी कौम का काम है, ये इदारे का काम है, वो अपने जो भी बन पड़ता है, जो जो भी मुश्किलात हैं लोगों के, उस मुश्किलात को आसान करें। हाल ही में हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक्शन में आई है, वक्फ बोर्ड कुछ काम कर रही है, पहले भी हो चुका है काम, लेकिन जितना जो एनक्रोचमेंट्स था जो उसको वापस लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज शफी भाई भी उसमें जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सब पूरी तमाम टीम मिलके, ऐसा नहीं कि शफी भाई हैं, सदर साहब हैं, मेंबर्स हैं, तमाम लोग मिलके जब कौम का काम करेंगे तो उम्दा काम होगा, बेहतर काम होगा। हम यही उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, हिम्मत दे। हम सब लोग उनके साथ हैं, अजमल गोला साहब हैं, अजीम भाई हैं, शेख हुसैन साहब हैं और कॉरपोरेशन के जितने भी हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, इंशाल्लाह हमारे डिपार्टमेंट से, कॉरपोरेशन से कुछ होगा तो हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे और एमएलए मैडम भी साथ हैं। और एमएलए मैडम के तरफ से भी मैं हबीब सरमद साहब, शफी साहब, तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ।